What's up guys, तो कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel. मैं हूँ आयशा असलम. जो मुझे पसंद है तूने आज वो किया. अच्छा आर्या खान कितनी मजबूत वाला. तो गाइस अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उस वीडियो का नाम है राउंड टू हेल्प फनी वीडियो क्लिप ज़ैन सैफी वसीम अहमद नाज़िम अहमद. स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे देने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें. अब आओ स्टार्ट करते हैं. आज कोई बकचोदी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे फेवरेट हैं. बात यार नहीं 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 कर यार नहीं करनी कोई भी बात यार. हाँ तो नहीं करनी ना, मैं यही बोल रही हूँ. आज कोई बकचोदी नहीं करनी तो यही कहने वाली थी कि नहीं कर देंगे कोई भी बात. लेकिन नहीं, मैंने तेरे इंस्टा पे एक पोस्ट देखी थी बड़ी प्यारी आई थी. कौन सी वाली? वो वाली अभी लास्ट टाइम नहीं मैंने डाली थी. तो यार मैंने भी तेरी वो वीडियो देखी थी कसम दे जम भी, और इतना अच्छा लगा मैंने बोला सॉन्ग कॉपी कर दी. मैं बकचोदी नहीं करनी यार, सॉरी गाइस. तो खैर स्टार्ट करते हैं. और सुना कैसे? मैं बढ़िया भाई, तू सुना? मैं भी ठीक. अबू अरे माय सन, उधर क्या है सड़ी का, उधर क्या ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमने शेर को डरा के दिखा. बच्चों को सरकारी स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता हूँ. सलमान को भी मैंने पढ़ाई थी. मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू. B.Tech from Kanpur. तो प्रोफेसर साहब, उस लड़की में जब आत्मा आ गई तो वो आत्मा लड़की को ले गई हवा में. अब हमने भी सकतियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ अब हवा में रुक गए. ग्रेविटी काम है इसमें, ग्रेविटी नहीं मार चुका ना ऐसी कोई चीज नहीं होती है. बिल्कुल ठीक है बेटा तेरा आंसर, किसी की बातों पे ध्यान मत दे तू. बढ़िया पढ़ाई पे ध्यान दे ले. चार आंसर है, 77 लिखो सब, 77 लिखो सब. सात के लिए मेरे पास, उसमें से दो मैंने खा लिए. कितने बचे? पांच के लिए बचे सर. इससे सही जवाब देते हैं ने? सर दो प्लेट बिरयानी, थोड़ी सी लाल वाली चटनी बची. बहुत सही जवाब है सर, बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. किसी की बातों पर ध्यान मत दिए. बहुत बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ लिया. सब लिखो, दो प्लेट बिरयानी, लाल चटनी. अरे सर इस सवाल में बिरयानी कहाँ से आ गई? अरे हमारे पास ट्यूशन पड़ेगा ना तो नहारी कोरमा जलता बिरयानी घी मंगवाया सब आएगा. ऐसा होता है क्लास में टीचर होता है जिसका कोई चर्चा होता है. पीछे ये क्या कर रहे हो? बल्ले की आवाज निकालो मुंह से. पीछे पीछे पीछे. अरे फोसड़ी वाली ये क्या कर रहे हो तुम? सुअर जैसी आवाज निकालती, बल्ले की आवाज होती. टुनक फुटबॉल के महान खिलाड़ी अंडरटेकर अगले साल फीफा वर्ल्ड कप. वही दूसरी ओर रोनाल्डो ने लिया WWE से संन्यास. पाकिस्तान 150 रन से जीता, पाकिस्तान में मातम का माहौल और टीवी फोड़ेगा. विराट कोहली जीरो पर आउट, अनुष्का शर्मा ने दी बधाइयां. वही दूसरी ओर पीएम राहुल गांधी ने करा हारी हुई टीम इंडिया का एयरपोर्ट का जोरदार स्वागत. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में उदय चोपड़ा का पहले नंबर का नाम. कहा धूम सीरीज की पहली फिल्म करेंगे पहली बार. दुनिया के सबसे पतले हीरो की सूची में सलमान खान सबसे पहले नंबर पर. पहले की एक और दूसरे राज्य में चालू.
कहा अगले साल 45 लड़कियों के साथ गान गाएंगे राधे। ढिंचक पूजा ही ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित। वही अरिजीत ढिंचक पूजा फिर से एक बार पूरे देश को हंसाया। श्रद्धा कपूर अपनी अगली फिल्म में करेंगे पहला रेन डांस। कमलेश ने एक बार फिर से किया दूध। पीएम राहुल गांधी ने जताया शोक, कहा देश का भविष्य बहुत खतरे में, करेंगे सुलोचन योजना का जल्दी आराम। लड्डन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, मैं लड्डन भाई और आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाग में खड़ा हूँ। ऐसे कि आम का सीजन चल रहा है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाग के मालिक से मिलवाने वाला हूँ, जिनका नाम है दशहरी भाई। तो दशहरी भाई आप बताइए, आपने इतना बड़ा बाग कैसे खड़ा करा? हमारी एक साइडिंग थी बहुत साल पहले जी, हमने उससे पूछा क्या पसंद है, वो बोली आम पसंद है भाई। हमें उस दिन से आम पसंद हो गया, मोहब्बत में इतना पसंद हो गया कि हमारी फैमिली आम नहीं थी पूरे गाँव में, नेता गिरी और सब कुछ थी लेकिन सब कुछ बेच दिया घर का, आम हो गई फैमिली। और इतना आम पसंद हो गया कि उत्तर प्रदेश से वोट डालने दिल्ली जाते थे आम आदमी पार्टी को। आप तो यहाँ डाला नहीं लेटर फूटा बॉर्डर पे आ गए उत्तर प्रदेश। तो अभी आपकी सेटिंग कहाँ है? पता नहीं बहन की लोड़ी कहाँ है। तो मतलब साथ में नहीं है, क्या हुआ ऐसा? एक दिन ओयो करके कोई चीज होती है ओयो दुकान के लिए, उसमें गए हम, उसमें वो लेट गई जाती। बोली क्या बात है तुम लेट गई, कोई तबीयत? बोली क्या चाहिए? बोली केला चाहिए अभी। मैंने वहीं गया बेटी चोर, मैंने पूरा बाग खरीद दिया आम का, तुझे चाहिए केला? ये कैसा आंसर हुआ भाई इसका, दोगलापन जी। मैं बताना चाहूँगा दशहरी भाई, वो केला वो आपके पास मौजूद था, वो आप दे सकते थे उस टाइम। मैं पूरे बाग में केला नहीं है, आपके पर्सनल आपके पास इस टाइम भी मौजूद है, हर किसी के पास एक होता है। बताओ कौन से बाग में केला हमारे, बताओ मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इधर चलिए। ये देखिए ये केला तो मेरे पास भी था, ये चाहिए उसे, यही तो देना तो था, यही तो देना था। तो मैं विदा लेता हूँ लड्डन व्लॉग में और अगली बार फिर किसी शख्सियत से मिला। अच्छा तो बताऊं तो तुझे कौन सा सीन अच्छा लगा इसमें से, कौन सी वाली राउंड 12 की वीडियो का सीन अच्छा लगा इसमें से? वो वाला। और मैं बताऊं, मैं बाबा जो उसे पूछ ही नहीं रहे थे बेचारा। अच्छा वो मैं बताती हूँ मुझे कौन सा सीन यही वाला अच्छा लगा कि वो बोली मुझे आम पसंद है, बेचारे ने आम का बाग लगा दिया। एंड में जब ओयो जाता वहां वो मिली तो बोलता है क्या चाहिए, तो बोली मुझे केला चाहिए। ओ गॉड, मतलब ये वाला सीन अच्छा लगा। तो खैर गाइस आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने की जरूरत में वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, लव यू ऑल गाइस, टाटा।